स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड डीएलएड का मैंने आज आप लोगों को एक न्यूज़ दिखाया था। अब आज मैं आप लोगों को पहले वेबसाइट बताऊंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगी और आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि कहाँ से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और लिखना है scrt.cg.gov.in। सेम एज़ इट इज़ लिखना है स्मॉल लेटर में, तो आपके सामने ये फ्रंट पेज scrt का खुल के आएगा। scrt जो है, cg scrt, यही आपका BA, BEd, BSc, BEd, BEd, DLED ये सब का काउंसलिंग कराएगी। तो हम ये पेज जब खुलेगा तो हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इस तरफ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम ये लास्ट वाला ओपन करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये खुल के आएगा। तो यहाँ पे हम पहले सूचना वाले में क्लिक करते हैं, डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड लिखा, तो चलिए हमने ओपन किया। तो मैं जैसे ही ओपन करती हूँ तो ये देखिए, ये कल की ही डेट है, कल की डेट पे ही यहाँ पे निकल चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निजी महाविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड एवं शासकीय डाइट बीटीआई निजी शासकीय महाविद्यालय में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम 2020-21 में प्रवेश हेतु इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी इसमें जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर पंजीयन एवं विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विस्तृत सीट आवंटन कार्यक्रम, आवश्यक दिशा निर्देश, प्रवेश नियम व प्रक्रिया, महाविद्यालयों व संस्थाओं की सूची व शुल्क की जानकारी SCRT रायपुर की वेबसाइट एवं चिप्स की वेबसाइट में उपलब्ध है। BA BEd BSc BEd DLED के तहत परीक्षा 10वीं 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट कार्य बनाकर की जाएगी। तो हम देखते हैं, प्रथम चरण की काउंसलिंग का ऑनलाइन फॉर्म BA BEd और BSc BEd का होगा शुरू 25 से, जो कि 3 तक चलेगा, और यहाँ पे DLED का 6 से लेके 16 तक चलेगा। तो ये भी मैं आज बताई थी आप लोगों को न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में, बट हम एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिपोर्ट में भी यहाँ पे देख लेते हैं। दावा आपत्ति 6 से 7 तक, यहाँ 20 से 21। प्रथम चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी 12-10 को, यहाँ 23-10 को। फिर प्रथम चरण में जो भी सीटें, पहले आप लोगों को एडमिशन लेना है 12 से 19 तक, यहाँ 23 से 29 तक। फिर रिक्त सीटों की जानकारी 21 को मिलेगी और यहाँ 31 को मिलेगी। अब पहला चरण ख़त्म हो चुका, दूसरे चरण को देखते हैं। तीसरे चरण का विकल्प ऑनलाइन फॉर्म भरना है 23 से 27 तक, यहाँ 3 से 9 तक। दावा आपत्ति करना है 29 से 31 तक, यहाँ 11 और 12 नवंबर। सीट सूची जारी कब होगी 3 को और यहाँ पे 18 को। फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रवेश लेना है 3 से 7 तक, यहाँ 18 से 24 तक। रिक्त सीटों की जानकारी 9 को दी जाएगी, यहाँ 26 को। और इसी प्रकार ये तीसरे चरण की भी काउंसलिंग लिखी हुई है। अब यहाँ नीचे एक और न्यूज़ दी है, उसे भी हम देख सकते हैं। अभ्यर्थी पत्र व्यवहार तथा दावा आपत्ति इस ईमेल पर आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र भेजकर कर सकते हैं। पूछताछ के लिए दिनांक 24 से कार्यालयीन समय में चिप्स की हेल्प डेस्क इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो आपको ये नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप कॉल करके अपना कोई भी डाउट जो हो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीए बीएड का। अब हम देखते हैं कि हमें अप्लाई कहाँ से करना है। मैं फिर से मेन पेज पे चली गई हूँ, ये मेन पेज है। जब आप खोलेंगे यहाँ पे scrt.cg.gov.in, तो जब हम नीचे आएंगे तो फिर से हमें इसी पेज को क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, बीए बीएड बीएससी बीएड, तो ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु वेबसाइट। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ। जैसे मैं क्लिक करती हूँ, मेरे सामने देखिएगा नई वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है, नया पेज खुला है। ये SCRT का ही पेज है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए लिखा हुआ है बीए
बीएससी बीएड का फर्स्ट चरण 25 यहाँ पे 3 तक है, सेकंड फेज 23 से 27 तक है और थर्ड फेज 11 से 17 नवंबर तक है। डीएलएड का भी लिखा हुआ है, फर्स्ट फेज का 6 से 16 अक्टूबर, सेकंड 3 से 19 और थर्ड है 28 से 3। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फेस स्टार्ट डेट क्लोजिंग डेट ऐसे लिखा होता है। अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का बन के आ जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऐसे करके। तो ये कब खुलेगा आपका विंडो, 25 सितंबर को खुलेगा, जैसे अभी आप लोगों का फार्मेसी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग का काउंसलिंग चल रहा है उसी प्रकार। तो आपने इस वीडियो से जान लिया एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से फॉर्म भरना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपने जान लिया। तो इस वेबसाइट को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, scrt.cg.gov.in, जो कि 25 तारीख से शुरू होगी काउंसलिंग। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो हेल्पफुल लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो, आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।